अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम टू आर क्लास मैं हूँ आपका टीचर जवाद अली स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम जज्ब तालीम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के तहत स्टार्ट किया गया जिसमें हम आपको डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स ऑफ नाइन्थ क्लास लास्ट चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर फोर जो है वो एंड कर लिया था आज हम चैप्टर नंबर फाइव जो है उसको स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर फाइव का नाम है ग्रेविटेशन जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें नंबर वन जो है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेकेंड इज मैस ऑफ अर्थ थर्ड वन वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आर्टिफिशियल सेटलाइट्स तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन स्टूडेंट्स न्यूटन ने बताया था कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ एक दूसरे पर फोर्स एक्ट कर रही है ये फोर्स हर मैस दूसरे मैस पर लगा रहा है इस कमरे अगर हम किसी कमरे में बैठे हों उसमें मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे में फोर्स लगा रही हैं उसको हम कहते हैं फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को मद्देनजर रखते हुए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टूडेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे डेरिवेशन करेंगे इसकी तो देखते हैं सबसे पहले डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी इस डायग्राम में हमारे पास दो मैसेज हैं M1 एंड M2 M1 ब्लू कलर का है और M2 टू पिंक कलर में है स्टूडेंट्स ये दो मैसेज M1 और M2 को सेपरेट किया गया है बाय द डिस्टेंस d ये आपको बॉटम लाइन में नजर आ रहा होगा कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है जो डिस्टेंस है वो d है M1 फोर्स लगा रहा है M2 पर ये एक्शन है इस एक्शन का लाजमी कोई ना कोई रिएक्शन भी है उसके रिएक्शन में M2 भी फोर्स लगा रहा है M1 पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 वन और m2 टू के मैग्नीट्यूड के इसका मतलब है जितने ज़्यादा ये मैसेज बड़े होते जाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरम्यान बढ़ती जाएगी सेकेंड बात जो उसने बताई फोर्सेज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन ओवर डी स्केयर यह फोर्स इन्वर्सली प्रपोर्शनल है डी स्क्र के यानी कि जितना इन मैसेज के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्र के ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल है इसका मतलब यह है एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि जितना हम डी को बढ़ाते जाएंगे जितना डी ज़्यादा होता जाएगा यानी कि इनमें इन मैसेज के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा उतनी हमारी फोर्स जो है वो कम होती जाएगी इतनी कम होती जाएगी हमारी फोर्स स्क्वायर से कम होती जाएगी जितना हमारा डी बढ़ता जाएगा उतनी ही कम हमारी फोर्स होती जाएगी इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं, तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू ओवर डी स्क्वायर अब फिजिक्स में रूल है मैथमेटिक्स रूल है बल्कि कि जब भी हमने प्रोपोर्शनल खत्म करना होता है तो हम इक्वल्स टू लगाते हैं और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाता है स्टूडेंट्स यहां पर हमने इक्वल्स टू लगाया और साथ कांस्टेंट लगाया जी ये जी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और दूसरा इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू इस जी की वैल्यू हर जगह बहुत स्मॉल होती है ऐसे यूनिट्स में इसकी वैल्यू है टी वी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्र पर किलोग्राम स्केयर अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि कमरे में या कहीं भी हम मौजूद हों दो मैसेज या दो से ज्यादा मैसेज एक के एक दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें महसूस क्यों नहीं होती जिस कमरे में आप बैठे हैं इधर मौजूद टेबल चेयर्स ये सब एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे हैं मगर ये फोर्सेस हमें महसूस क्यों नहीं होती अगर हम एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे हैं वो हमें महसूस क्यों नहीं होती तो स्टूडेंट्स क्योंकि g की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है आप देख सकते हैं टेन टू दावर माइनस इलेवन है और हमारे मैसेज बहुत ज्यादा कम हैं जिसकी वजह से हमें यह G की जो वैल्यू है इसके स्मॉल होने की वजह से और हमारे छोटे मैसेज होने की वजह से हमें यह फोर्स महसूस नहीं होती आपने देखा होगा स्टूडेंट हर चीज ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि जमीन के अंदर भी क्योंकि जमीन भी एक मैस है वो भी हर चीज को पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ज़मीन का मैस क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए हमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो महसूस होती है हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकें वो वापस ज़मीन की तरफ ही आएगी क्योंकि ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से उसकी फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कोई ना कोई खास वैल्यू है जो हमें महसूस होती है हर मैस को होती है तो स्टूडेंट्स ये तो था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर हम मिलाएं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तो स्टूडेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन लाजमी होता है इससे यह मुराद है कि अगर मैं किसी चीज़ पर फोर्स मेरी फोर्स फोट अट्रैक्शन किसी चीज़ पर अप्लाई हो रही है तो रिएक्शन में उस चीज़ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मुझ पर अप्लाई होगी ये तो था स्टूडेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न्यूटन थर्ड लॉ के साथ ताल्लुक कि अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी भी हम पर फोर्स अप्लाई करती है हमारी फोर्स इक्वल होती है उस बॉडी की फोर्स से लेकिन हमारी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी उस बॉडी की फोर्स की डायरेक्शन के नेक्स्ट स्टूडेंट जिसका टॉपिक है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्टूडेंट्स जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो चीज़ वापस ज़मीन की तरफ आती है क्योंकि ये ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है या ज़मीन के ऊपर रखी हुई है सिर्फ उसी को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींच रही है बल्कि अगर कोई चीज़ ज़मीन की तरफ ज़मीन पर ना भी पड़ी हो और हम उसको उछालें ऊपर की तरफ जहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट ज़मीन के साथ ना हो नहीं होगा तब भी वो चीज़ वापस ज़मीन की तरफ ही आएगी क्योंकि स्टूडेंट्स जमीन के इर्द गिर्द एक फील्ड है उस फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ आप थ्रो करें उस चीज़ ने वापस ज़मीन की तरफ ही आना है उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ अर्थ के लिहाज से तो एफ इक्वल्स टू जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मैस एम जो जमीन के ऊपर मौजूद है या जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है मैस ऑफ अर्थ क्योंकि दूसरी बॉडी हमारे पास एम टू इस वक्त अर्थ है डिवाइडेड बाय आर स्क्र जितना फासला उस चीज और जमीन के दरमियान होगा तो ये तो थी स्टूडेंट्स ये तो थी स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन जो इस ग्रेविटेशनल के अंदर लगने वाली फोर्स है इस फील्ड के अंदर लगने वाली फोर्स है उसको हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं और ये फील्ड जो है ये ज़मीन के इर्द गिर्द फैला हुआ है और इस फील्ड के अंदर मौजूद जितनी चीज़ें हैं उनको ज़मीन अपनी तरफ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे स्टूडेंट्स ये हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कमज़ोर होता जाएगा वीक होता जाएगा ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग सी लेवल पर होता है जो समुद्री सतह है उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है और अगर हम माउंटेन एरियाज़ में चले जाएँ जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चेंज होती है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड सी लेवल जितना नहीं होता अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मैस पर लगती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ ये आपको सेकेंड पैरा की फोर्थ लाइन में नजर आ रहा होगा इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस ग्रेविटेशनल फोर्स किसी यूनिट मैस पे जो लगती है इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्टूडेंट जमीन के करीब करीब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी वैल्यू होती है टेन न्यूटन पर के जी वैसे इसकी वैल्यू हर जगह तकरीबन सेम ही होती है जमीन के आसपास लेकिन ज़मीन के करीब एग्जैक्ट इसकी वैल्यू टेन न्यूटन पर के जी यानी एक के जी पर टेन न्यूटन की फोर्स जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करती है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज मैस ऑफ अर्थ जिस जमीन पर हम रहते हैं इसका क्या मास है ये हमने फाइंड किया स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से किस तरह से देखते हैं तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले डायग्राम देखें ये जो आपको राउंड बॉल नजर आ रहा है ये अर्थ है और इसके मास को हमने एम ई से शो किया है डायग्राम में इस अर्थ के ऊपर एक मैथ पड़ा हुआ है जिसको हमने नाम दिया है एम का अर्थ के सेंटर से लेकर इस मैस तक का डिस्टेंस हमारे पास है आर अब इस मैस पर एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स है इस मैस का वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है जो आपको एरो से नजर भी आ रहा होगा ये तो थी स्टूडेंट डायग्राम और हमारी कंसिडरेशन के एक मैस एम है जो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है अर्थ के सेंटर से लेकर उस मैस तक का फासला r है और उस मैस पर एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स है उस मैस का अपना वेट जो अर्थ के सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्र जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये मैस M वो मैस है जो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है ये एम ई मैस ऑफ अर्थ है और आर वो फासला है जो अर्थ के सेंटर और मैस के दरमियान है स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इस मैस पे सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है इस मैस स्मॉल मैस एम पे और वो है इसका वेट यानी कि इस वक्त हमारी ये जो फोर्स है वो एक ही है और वो है वेट ऑफ द मैस और वेट का फॉर्मूला होता है एम जी तो मैं इस फोर्स को इक्वल कर सकता हूं एम जी के इस फोर्स की जगह मैं एम जी पुट कर दूंगा। ये एम जी मैंने इधर पुट कर दिया इक्वेशन 5.5 में मैं 5.4 से को मैंने पुट कर दिया 5. पॉइंट 5.4 फाइव को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन फाइव में अब इक्वेशन 5.5 देखें स्टूडेंट्स हमारे पास है mg जी इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम ई ओवर r स्क्वायर अब इधर हमारे पास स्मॉल m कैंसल हो जाएगा इस स्मॉल m से जो इक्वेशन के दूसरी साइड पर मौजूद है मैथमेटिक्स का रूल है सब जानते होंगे नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है मैस ऑफ अर्थ तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ मैस ऑफ अर्थ को एक साइड पर रहने देंगे बाकी तमाम चीजें हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 5.6 में मैस ऑफ अर्थ यही रहेगा ये आर स्क्र जो नीचे डिवाइड हो रहा है मैस ऑफ अर्थ से ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा और इधर बन जाएगा आर स्क्र जी और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो मल्टीप्लाई हो रहा है एम ई e से ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल अब हमारे हमें रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है कि अर्थ का कितना रेडियस होता है दैट इज 6.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लायर टेन टू दावर सिक्स मीटर का स्क्वेयर नेक्स्ट हमें जी की वैल्यू भी पता है ग्रेविटेशनल एक्सटेरेशन जो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्र और ऐसे यूनिट्स में हमें जी की वैल्यू भी पता है जो है 6.673 पॉइंट सिक्स सेवन थ्री मल्टीप्लायर टेन टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्र पर किलोग्राम स्क्र इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ जो है वो आ जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर के जी तो हमारी ज़मीन हमारी अर्थ जिस पर हम रहते हैं उसका मैस है सिक्स मल्टीप्लाई टेन टू दावर ट्वेंटी फोर के जी इतना बड़ा मैस होने की वजह से ये जिस भी चीज़ को जिस भी चीज़ पर अपनी फोर्स अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो लाजमी हमें महसूस होती है तो स्टूडेंट्स ये तो था मैस ऑफ अर्थ अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विथ ऑल्टीट्यूड स्टूडेंट्स अभी तक previous, अभी तक प्रीवियस टॉपिक्स में हमने जो कंसिडरेशन्स की हैं वो चीज़ के मैं, अर्थ के ऊपर पड़े हुए की हैं अगर कोई चीज अर्थ की सरफेस से और ज़्यादा ऊपर चली जाए मतलब किसी हाइट पर चली जाए एच तो जी की वैल्यू क्या होगी हमारी g की वैल्यू चेंज होती जाती है कम होती जाती है जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते जाएंगे जैसे आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स ये डायग्राम है इसमें मैस एम जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन से भी काफ़ी ऊपर एक हाइट एच जिसका हमने नाम रखा है एच पर यह मौजूद है और इसका वेट सिंपली नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इस केस में स्टूडेंट्स ये सी लेवल पर हमारी मैक्सिमम होती है हमारी मैक्सिमम सी लेवल पर जी की वैल्यू होती है लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएं फॉर्मूले से आपको नजर आ रहा होगा कि जी की वैल्यू इनवर्स होती है आर स्क्वेयर के इनवर्स का मतलब यह है कि जितना ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी तो स्टूडेंट्स यहां पर हम पहले सिर्फ आर लगाते थे जी एम ईवर आर स्क्वेयर लास्ट फॉर्मूले में अब यहां पर अगर हाइट एच पे चला जाएगा तो हम आर के अंदर इस एच को भी एड कर लेंगे तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है वो जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऑन डिफरेंट हाइट्स या डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स यही वजह है कि माउंटेन एरियाज में जी की वैल्यू चेंज होती है बहुत कम हो जाती है और सी लेवल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज आर्टिफिशियल सेटलाइट्स स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लानिट के इर्द गिर्द घूम रहा हो उसको हम कहते हैं सेटलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लानट के इर्द गिर्द घूम रहा हो उसको सेटलाइट कहा जाता है कुछ ऐसे सेटलाइट्स होते हैं जो कुदरती होते हैं मसलन चांद हमारी जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है ये एक नेचुरल सेटलाइट है कुदरती सैटलाइट है इसी तरह कुछ सेटलाइट्स ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए स्पेस में भेजते हैं जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं उन सेटेलाइट्स को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटलाइट्स जो इंसान ख़ुद स्पेस में भेजते हैं इन सैटलाइट्स को भेजने का मुख्तलिफ मकासद होते हैं मसलन हम कम्युनिकेशन परपज़िज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम दुनिया में कहीं भी जो कम्यूनिकेट कर लेते हैं वो इन सैटेलाइट्स के ज़रिए ही करते हैं सेकंड, हम स्पेस की इंफॉर्मेशन जो है इनसे हासिल कर सकते हैं स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर, साइंटिस्ट को भेजकर, स्पेस में मौजूद कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं सैटलाइट्स के ज़रिए नेक्स्ट बहुत सारे सेटेलाइट्स हैं स्टूडेंट्स जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और उनको मुख्तलफ टाइम में वो अपना काम जो है वो पूरा करते हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और किस और मुख्तलिफ अदवार में वो अपने चक्कर को पूरा करते हैं ये कितने टाइम में कोई सेटेलाइट अपने ज़मीन के इर्द गिर्द अपना चक्कर पूरा करेगा ये बात डिपेंड करती है उसकी हाइट पर कि वो ज़मीन से कितनी ज़्यादा हाइट पर मौजूद है या जमीन जमीन कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है कि वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते जाएं किसी स्पेसिफिक हाइट एज पर स्टूडेंट्स कुछ सेटेलाइट्स कम्युनिक खासतौर पर कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स ऐसे सैटेल्स होते हैं जो 24 फोर आवर्स में अपना एक चक्कर ज़मीन के इर्द गिर्द पूरा करते हैं स्टूडेंट्स इनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं इनके ऑर्बिट्स को जिसमें ये चक्कर खाते हैं उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और इनको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स अब इनको जियो स्टेशनरी क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बोर्ड पर समझाना चाहूँगा तो देखें स्टूडेंट्स लेट सपोज ये हमारी अर्थ है एक सेटेलाइट इधर मौजूद है स्टूडेंट जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा दैट इज़ अर्थ और ये है सेटलाइट स्टूडेंट्स आप देखें जब ये ये इस वक्त ज़मीन के जिस हिस्से के ऊपर मौजूद है जैसे जैसे जमीन मूव करती जाएगी वैसे वैसे ये सेटेलाइट भी साथ साथ मूव करता जाएगा जैसे जमीन हमारी स्पिन कर रही है उस डायरेक्शन में तो ये सेटेलाइट भी साथ साथ उसके जिस हिस्से के ऊपर मौजूद है उसके साथ ही मूव करता रहेगा इसका मतलब ये है कि पूरा चक्कर लगाने के बाद भी ये ज़मीन के उसी हिस्से के ऊपर होगा जहाँ से इसने अपना चक्कर जो है ज़मीन के इर्द गिर्द लगाना शुरू किया था इसलिए इनको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स कहते हैं कि ये स्टेशन ही रहते हैं ये एक ही जगह पर रहते हैं अर्थ के उस हिस्से के लिहाज से जिसके ऊपर ये मौजूद हैं इसलिए इनके ऑर्बिट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा जाता है जो स्टूडेंट्स हम घर में टीवी चैनल्स देखते हैं वो भी इन सेटेलाइट्स के थ्रू ही डिशनटीनाज जो हैं हमारे वो सिग्नल्स को कैच करते हैं और हर चैनल अपने अपने एंटीना की जो डायरेक्शन होती है एक अपने सेटेलाइट के लिहाज से उसको सेट करता है ताकि उसके चैनल्स प्रॉपर आए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हैं हमारे पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स सिंपल सी बात है कि अगर हमने किसी चीज़ को ज़मीन के इर्द गिर्द घुमाना है या किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घुमाना हो तो हमें उसे कितनी फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है कि वो उस चीज के इर्द गिर्द घूमती जाए तो स्टूडेंट ऐसी फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स हमने अगर किसी सेटेलाइट को ज़मीन के इर्द गिर्द घुमाना है तो हमें इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो देनी पड़ेगी सैटेलाइट को कि वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता रहे अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारी सेटेलाइट और अर्थ के दरम्यान उसमें इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड लाजमी करनी चाहिए कि वो सेटेलाइट कहीं और ना जाए बल्कि जमीन के इर्द गिर्द ही घूमता जाए अगर हम कंसिडर करें स्टूडेंट कोई मैथ एम है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ एम है हमारे पास मैं आपको इधर ड्रॉ कर देता हूं तो स्टूडेंट्स ये लेट कंसिडर हमारे पास एक मैथ है एम और अर्थ से लेकर इस सेटेलाइट की हाइट हम कहते हैं एच अर्थ के सेंटर से लेकर यहां तक हमारा रेडियस है अर्थ का आर तो स्टूडेंट्स हमें इस सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है वो वी नॉट रखनी पड़ेगी जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है अगर हम इसको इतनी वेलोसिटी देंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेटेलाइट इस अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता रहेगा इधर ये अगर हम कहें आर प्लस एच जो है वो हमारे पास इक्वल है आर नॉट के तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेसेसरी फोर्स हमें इस सेटेलाइट पर अप्लाई करनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका फॉर्मूला आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है एफ सी इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वेयर ओवर आर वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी है जितनी हमें सेटेलाइट को देनी पड़ेगी उस जमी अर्थ के इर्द गिर्द घूमने के लिए आर नॉट टोटल रेडियस प्लस हाइट ऑफ सेटेलाइट है जो हम जिस पर हमारा सेटेलाइट मौजूद है अब स्टूडेंट्स अगर हमने ये सेटेलाइट जो हमारा मूव कर रहा है इस पर सिर्फ अप्लाई हो रही है एक ही सेंट्रीपिटल फोर्स जो के इस मैस एम के वेट के इक्वल होनी चाहिए जितना इसका वेट है उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा बाकी फोर्सेज या एजेंसीज हम इसमें नेग्लेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि फोर्स हमने अप्लाई करानी है अर्थ और इस मैस एम के दरमियान और मैस एम पे लगने वाली फोर्स सिर्फ उसका वेट है तो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल आएगी वेट ऑफ द मैस एम जो सेटेलाइट का मैस है तो स्टूडेंट्स एफ सी इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच जी एच इसलिए यूज किया कि क्योंकि ये हाइट पर मौजूद है और हाइट पर हमारी जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है अब हम एफ सी की जगह एम जी एच पुट कर दिया हमारा मैस एम दूसरे मैस एम से कैंसिल हो गया अब हमने निकालनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी हम देंगे तो चीज मूव करती रहेगी अर्थ के इर्द गिर्द तो वी नॉट का स्केयर को हम यहीं पे रहने देंगे उसके अलावा आर नॉट जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये उधर जाकर जी एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा अब हमें वी नॉट चाहिए उस पर क्योंकि स्क्यर है हम दोनों साइड्स पर स्क्यर रूट ले लेंगे जब हम स्क्र रूट लेंगे तो ये वी नॉट वाला स्क्वेयर उस स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू इस साइड पे स्क्यर रूट आ जाएगा जी एच मल्टीप्लाई बाय आर नॉट अब आर नॉट मैंने आपको बताया था किसके इक्वल है स्टूडेंट्स आर प्लस एच के अब वी नॉट का फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा जी एच ये इक्वेशन 5.10 में जब हम आर नॉट को पुट करेंगे जी एच मल्टीप्लाइब है आर प्लस एच ये स्टूडेंट्स वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इक्वेशन 5.11 जो हमें रिक्वायर है इस चीज को इस सैटेलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द घुमाने के लिए या किसी भी मैस को अर्थ के इर्द गिर्द घुमाने के लिए स्टूडेंट्स अगर हमारी बोर्ड पे देखें अगर ये हमारी सेटेलाइट अगर हमारी ये सेटेलाइट जो है या ये मैस जो है ये अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब हमने रिवॉल्व करवाना हो ये अर्थ है ये सेंटर है अर्थ का आर और ये हाइट इस वक्त बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई है हमारी हाइट बहुत ज़्यादा स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू आर यानी कि इस वक्त हमारा सेटेलाइट जो है वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब आ गया है तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारी जो जी एच होगी वो इक्वल होगी जी के यानी कि अब हम हाइट पर मौजूद नहीं हैं हमारी हाइट तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कंपेयर टू आर तो हमारा जी एच भी चेंज हो जाएगा जी में जब हम यहाँ पर आर प्लस एच की जगह इक्वेशन 5.11 में आर प्लस एच की जगह आर पुट करेंगे क्योंकि हमारा एच बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे और जी एच क्योंकि हमारी मैथ जो है वो अर्थ के करीब आ गया है अब जी की वैल्यू जी एच नहीं रही बल्कि सिर्फ जी बन गई है और इन दोनों को जब हम यहाँ पर इक्वेशन 5.11 में पुट किया तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का आंसर आया जी आर वो स्टूडेंट स्पीड है और ये अप्रोक्सीमेटली एट किलोमीटर पर सेकेंड होगी जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आर की और जी की एट किलोमीटर पर सेकेंड या ट्वेंटी नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से हम सेटेलाइट को मूव करवाएंगे तो वो मूव अर्थ के करीब उसके इर्द गिर्द करती रहेगी तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा चैप्टर नंबर फाइव जो है वो ख़त्म होता है और हमारा वक्त प्रोग्राम का भी अख्ताम पज़ी हो चुका है अगले प्रोग्राम में इन शाह चैप्टर नंबर सिक्स के साथ आपका टीचर जवाद अली हाज़िर होगा दुआओं में याद रखिएगा ख़ूब दिल लगा कर पढ़ते रहिएगा अल्लाह हाफि